रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों से ज्यादा सैन्य मदद मांगने में लगे हुए हैं। लेकिन नेटो के कई देश जैसे पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया अब यूक्रेन को मदद देने से पीछे हट चुके हैं। लेकिन अमेरिका अभी भी यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी ज्यादा दिनों तक यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं दे पाएगा, क्योंकि अमेरिकी संसद में यूक्रेन को और मदद दिए जाने वाला बिल अधर में लटका हुआ है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की के दिमाग में कुछ नई खिचड़ी पक रही है, और इसकी वजह ज़ेलेंस्की का वो फैसला है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ऐन वक्त पर अमेरिकी सांसद और व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ अपनी ब्रीफिंग को रद्द कर दिया है। ये जानकारी अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी डेमोक्रेट्स के उच्च अधिकारियों ने दी है। दरअसल इस ब्रीफिंग से पहले एक बैठक हुई और उस बैठक में अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों ने अमेरिकी बॉर्डर पॉलिसी पर फोकस कर लिया, और उसके बाद ही ज़ेलेंस्की की वर्चुअली अमेरिकी सांसदों और व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग होने वाली थी, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर इस ब्रीफिंग को कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि इस ब्रीफिंग में अमेरिकी अधिकारी इसराइल को भारी भरकम सहायता पैकेज और यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिकी संसद में समझौते को लेकर जानकारी देने वाले थे, लेकिन कुछ रिपब्लिकन सांसद यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग को अमेरिकी बॉर्डर सुरक्षा से जोड़ना चाहते थे, और यही वजह थी कि कई सांसदों ने स्पेंडिंग बिल को रोकने की धमकी तक दे डाली और कहा कि जब तक कि इमिग्रेशन कंट्रोल मुद्दे को इसमें शामिल नहीं किया जाता तब तक वो इस बिल को संसद में पास नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के ब्रीफिंग रद्द करने की वजह से कई रिपब्लिकन सांसदों का डेमोक्रेट सांसदों के साथ विवाद भी हो गया, जिसकी वजह से सांसद डेब फिशर और मिट रोमनी ने वॉकआउट कर दिया। इसको लेकर सांसद डेब फिशर ने कहा कि मुद्दा ये है कि यहाँ पर किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने पिछली बार यूक्रेन के सभी विधेयकों का समर्थन किया था। व्हाइट हाउस को इसकी चिंता करनी चाहिए क्योंकि मैंने हर चीज का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस लगातार अमेरिकी संसद से यूक्रेन को सैन्य सहायता के नए बिल को जल्द से जल्द मंजूरी देने की अपील कर रहा है। इसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की उच्च बजट अधिकारी शालंदा योंग का कहना है कि पेंटागन ने इस साल यूक्रेन के लिए आवंटित की गई 62.3 अरब डॉलर की राशि में से 97% को खर्च किया है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूएस एजेंसी ने आवंटित 100% फंड इस्तेमाल कर लिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संसद से 160 अरब डॉलर के फंडिंग पैकेज को पास करने की अपील कर रहे हैं। ये पैकेज यूक्रेन और इसराइल को सैन्य मदद के लिए है, लेकिन संसद में रिपब्लिकन सांसदों ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।